एक व्यक्ति अपने घर पर उदास बैठा रहता था। हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचते रहता था और उदास बैठा रहता था। एक दिन ऐसे ही उदास बैठा हुआ था तो अचानक से उसको आवाज सुनाई दिया कि तुम्हारे घर के पास जो पहाड़ है उसको जाके धक्का लगा। वो व्यक्ति ये आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि कौन आवाज दे रहा है, क्योंकि उसके आसपास कोई रहता नहीं था। तो फिर रियलाइज हुआ कि हो सकता है ये परमेश्वर की आवाज। और जब परमेश्वर बोल रहा है कि जाके पहाड़ को धक्का लगा तो अब तो जाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर रोज धक्का लगाने लगा, पुशिंग द माउंटेन, हर रोज धक्का लगाने लगा। और धक्का लगाते लगाते उसको 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद उसको ध्यान आया कि मैं इतने दिनों से धक्का लगा रहा हूं, देखूं ये पहाड़ अपनी जगह से हिला कि नहीं। उसने देखा तो हैरान हो गया कि 6 महीने से मेहनत कर रहा है बट वो पहाड़ 1 इंच भी अपनी जगह से हिला नहीं। 1 इंच तो छोड़ो, 1 मिलीमीटर भी अपनी जगह से नहीं हिला। इतना करके भी यश नहीं मिला, इतना मेहनत करके भी अगर सक्सेस नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन आता है। वो भी थोड़ा डिप्रेस हुआ, घर आया। शाम को घर आने के बाद जोर से चिल्लाया, तूने बोला था ना पहाड़ को धक्का दे, 6 महीने से लगातार मैं पहाड़ को धक्का दे रहा हूँ बट वो पहाड़ अपनी जगह से हिला भी नहीं। फिर उसे आवाज आया बाथरूम में जा। उसे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि वो उससे सवाल पूछ रहा है और ये आवाज आ रहा है कि बाथरूम में जा। गया वो बाथरूम में, फिर आवाज आई, शर्ट निकाल, शर्ट निकाला, शीशे में देख। उसने शीशे में देखा तो फिर आवाज आई, किसने कहा कि कुछ नहीं होता है, 6 महीने से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो तूने धक्का मारा है उसमें तेरा बॉडी देख, तेरा हाथ देख, तेरा छाती देख, कितना स्ट्रांग हो गया है, कितना मजबूत हो गया है। कौन बोलता है कि कुछ हुआ नहीं है, कितना स्ट्रांग हो गया है धक्का मार मार के, पर तू बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब अपने को ऐसा लगता है कि अगर रिजल्ट आया तो ही सक्सेस है। क्या उस रिजल्ट के आने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, जो मजबूती चाहिए, वो हासिल करना सक्सेस नहीं है? कोई भी बड़ा रिजल्ट आने का है उसके लिए खुद को मजबूत करना पड़ता है, मजबूती लानी पड़ती है। नहीं तो बहुत बार लोग बिना मेहनत के, बिना उस काबिलियत के सक्सेस तो हो जाते हैं लेकिन उस सक्सेस को बहुत ज्यादा दिनों तक भुना नहीं पाते। नॉट एबल टू हैंडल सक्सेस, दिस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ये एक अलग तरह का डिप्रेशन है जो आदमी पब्लिक प्रेशर को झेल नहीं पाता है, सफलता को झेल नहीं पाता है, तो वो भी डिप्रेशन में जीने लगता है। तो क्या उस डिप्रेशन में जाना चाहिए? यस, मिल गया, सक्सेस को भुना नहीं पाए तो डिप्रेशन में जाओगे, तो क्या उस डिप्रेशन में जाना चाहोगे? फिर उसे एक आवाज सुनाई दिया, हु से नथिंग हैपेंड, देख तेरा शरीर कितना मजबूत हो गया है रोज धक्का लगा के। दूसरी बात कि मैंने तुम्हें धक्का लगाने के लिए बोला, पहाड़ हिलाने के लिए थोड़ी बोला था। धक्का लगाना तुम्हारा काम है और पहाड़ हिलाना मेरा काम है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, यस नहीं भी मिले तो भी, क्योंकि तुरंत अगर यस नहीं मिला, सफलता अगर तुरंत नहीं मिली तो भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है। जैसे समझो आपने एक मक्के का बीज लगाया, एक हरबरे का बीज लगाया या फिर एक मटकी का बीज लगाया, तो हर बीज का अपना एक अंकुरित होने का अलग टाइम है। हर बीज अपने हिसाब से अंकुरित होगा, ना कि सब एक साथ अंकुरित होंगे। तो हर बीज को अंकुरित होने के लिए उस बीज के हिसाब से उतना समय लगेगा। हम सभी के जो एफर्ट है, हम सभी के जो कर्म है, वो करते रहने पड़ेंगे और जो फल है, जो यश है, जो सफलता है, वो मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं कि उसने तो कल ही बीज लगाया और आज उसका बड़ा सा पेड़ बन गया है, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप। लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर एफर्ट लगाते रहे
जिस परसिस्टेंस से हम चल रहे हैं, कंटिन्यूअस अगर उसी परसिस्टेंस से चलते रहे तो एक दिन अपना टाइम भी आएगा। वो एक गाना कौन सा है, अपना टाइम आएगा। सो अपना टाइम भी आएगा दोस्त, बस जरूरत है पेशेंस के साथ परसिस्टेंटली काम करने की। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे केवल व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से करते रहे, निरंतर एफर्ट लगाते रहे तो अपना वक्त आएगा। और खुद को कभी ऐसा मत लगने दो कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, यानी इसके नीचे जो है वो काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है दोस्त, बीज एक बार जो डाल दिया है जमीन में तो उसके रूट्स जो है, अंकुरित होने से पहले जो रूट्स होते हैं वो मजबूत हो रहा है, और जो जमीन के नीचे है वो दिखता नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि हमारे लिए या फिर हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो नीचे जो रूट्स है वो बराबर स्ट्रांग हो रहे हैं। सो हमें जरूरत है इंतजार करने का, वक्त आने के बाद ऊपर भी दिखेगा, वो वक्त भी आएगा, बस अपने को हार नहीं माननी है। कीप होल्डिंग दोस्तों, अपना टाइम आएगा। कोई भी सुझाव है, कोई भी शिकायत है तो मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।